नमस्कार, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेशन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोज आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूँ। अभी जो कुंडली ली गई है 3 जुलाई 1994, 17:20 जलगांव महाराष्ट्र का जन्म है। इस कुंडली में लगन वृश्चिक है, यानी लगन का स्वामी मंगल है। 22 डिग्री का लगन है, डिग्री कली लगन ठीक है। ज्येष्ठा नक्षत्र में है, जो कि बुध का नक्षत्र होता है। यानी लगन में, मंगल के लगन में बुध का नक्षत्र पड़ना थोड़ा सा बुद्धि को कभी कभी उग्र बनाता है या डिसीजन लेने में दिक्कत करता है। सूर्य मिथुन राशि में है, व्यक्ति ज्ञान अर्जित करने में रुचि रखता है। 17 डिग्री का है, ठीक है डिग्री कली। आद्रा नक्षत्र है, जो कि राहु का नक्षत्र है। कभी कभी दिल की धड़कने बढ़ना, थोड़ा सा डर भय लगना, मान सम्मान और कार्य की फिक्र बने रहना, ये सब रह सकता है। चंद्रमा मेष राशि में है, यानी इनकी राशि मेष है, डिग्री ठीक है 16 डिग्री। भरणी नक्षत्र है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है तो इनका मन लग्जरी, सुख साधन और भौतिक उन्नति में लगेगा। और जिनका चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में होता है, ऐसे लोग थोड़ा स्त्रियों के प्रति अधिक विचारवान भी होते हैं। मंगल वृषभ राशि में है, 5 डिग्री का है, डिग्री बहुत कम तो नहीं है, ठीक है। कृतिका नक्षत्र है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी और मेहनती होते हैं। बुध इनका अस्त भी है, वक्री भी है, मिथुन राशि में है, 6 डिग्री का है। मृगशिरा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, तो बुध इनको अच्छा परिणाम दे पाएगा, लेकिन थोड़ा अस्त है इसलिए इसके बल में कमी है। गुरु इनका शत्रु राशि तुला में है, डिग्री से ठीक है, 10 डिग्री का है। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है, तो थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति को शिक्षा में अवरोध भी आते हैं। शुक्र कर्क राशि में 27 डिग्री का है, अश्लेखा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में शुक्र अच्छा फल देता है। शनि अपनी राशि कुंभ में है, 18 डिग्री का है, अच्छा है, और राहु के नक्षत्र में है इसलिए शनि ठीक है। राहु तुला राशि में अच्छा फल देता है और केतु मेष राशि में अच्छा फल देता है। डिग्री दोनों की 29 है। राहु केतु के ऊपर डिग्री का कोई असर नहीं पड़ता कि ये बाल और वृद्ध हो जाए। राहु विशाखा नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है। अब यहाँ पर गुरु और राहु के नक्षत्र परिवर्तन का योग बनता है। केतु इनका सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। लग्न कुंडली देखते हैं, वहां से एनालिसिस का जो निकल करके आता है फल वो देखेंगे। 8 नंबर की गिनती लग्न में है और मंगल लग्नेश होकर के लग्न को देख रहा है। मंगल लग्न को बल प्रदान कर रहा है, जिससे होगा क्या कि आयु और स्वास्थ्य में ये वृद्धि करेगा। मंगल सप्तम भाव में है तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को लेकर के और विवाह को लेकर के चिंताएं बनेंगी। विवाह में थोड़ी सी देरी हो सकती है। कुंडली मिलान करके विवाह करें, बहुत प्रबल तो मांगलिक नहीं बनेंगे, क्योंकि मंगल चलित कुंडली में 6ठे भाव में चला जा रहा है, तो लेकिन फिर भी मांगलिक लड़की से इनको विवाह करना चाहिए। 7वें भाव का स्वामी शुक्र भाग्य भाव में बैठा है, यानी भाग्योदय होगा विवाह के बाद में। 2वें भाव का स्वामी गुरु है, जो कि 12वें भाव में राहु के साथ ही बैठा हुआ है। राहु और गुरु की युति भी है, तो कुछ मामलों में इनका पैसा कहीं कहीं अनावश्यक चीजों में खर्चा हो सकता है, बर्बाद हो सकता है पैसा, क्योंकि धन भाव का स्वामी 12वें भाव में शत्रु राशि में बैठा हुआ है।
तृतीय भाव का स्वामी शनि है, चतुर्थ भाव का भी स्वामी शनि है, चतुर्थ भाव में ही स्वागृही होकर के बैठा है, यह भाव काफी बलवान हो गया। शनि स्वागृही है और शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि भी है इस भाव पर, तो भूमि भवन और वाहन का सुख इनको जीवन में अच्छा मिलेगा। वहीं अगर पंचम भाव की बात करें तो स्वामी गुरु है जो कि 12वें भाव में शत्रु राशि में गया हुआ है, जिससे संतान में थोड़ी सी देर आएगी। छठे भाव में चंद्रमा और केतु की युति अच्छी नहीं मानेंगे, केतु अकेला होता तो अच्छा होता, चंद्रमा भी यहीं बैठा हुआ है, चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, सूर्य के पीछे है, तो इनको चंद्रमा और केतु के कारण से मानसिक समस्याएं आएंगी, विचार हमेशा उड़ेंगे और कभी कभी ये दूसरों के प्रति द्वेष की भावना भी रख लेंगे। चंद्रमा पेट और अपच की बीमारी भी यहाँ पर देगा, चंद्रमा खराब है, मानसिक रूप से मुख्य रूप से समस्याएं पैदा करेगा। चंद्रमा भाग्य का भी स्वामी है और आकर के यहाँ बैठा हुआ है, ऐसे में भाग्य इनका हमेशा स्मूथ नहीं रहेगा, भाग्य हमेशा सही समय पर इनका साथ दे इस बात की संभावना भी कम हो जाती है, यानी भाग्य थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। वही मंगल लग्नेश होकर के सप्तम में है, खष्टेश भी है, तो लेकिन फल तो लग्नेश का ही अधिक देना है, यानी कि ये जो है अपनी पत्नी के विचारों का सम्मान भी करेंगे, हालांकि मांगलिक है, मांगलिक लड़की से विवाह करना है। बुध इनका बैठा हुआ है अष्टम भाव में, अस्त भी है, वक्री भी है, और बुध के साथ कर्म भाव का स्वामी सूर्य भी आकर के बैठा हुआ है, तो ये कुछ काम गोपनीय रूप से करते हैं, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी अष्टम में जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने कुछ कामों को छिपा करके भी रखने का प्रयास करते हैं, गूढ़ काम करेंगे और जो भी काम करेंगे उसमें ये जो है एक्सपर्ट होने का प्रयास करेंगे। नवम भाव में देखिए शुक्र बैठा हुआ है और नवम भाव का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में गया हुआ है, शुक्र यहाँ पर बैठ करके बताता है कि विवाह के बाद ही भाग्योदय होगा, शुक्र इस कुंडली में द्वितीय और द्वादश भाव का स्वामी भी है, तो यहाँ पे स्त्री की प्राप्ति के बाद जीवन कुछ ज्यादा अच्छा हो सकता है। कुल मिलाकर के इस कुंडली में जो सबसे अच्छा नजर आता है, भूमि भवन वाहन का सुख बहुत अच्छा है, क्योंकि चौथा भाव अच्छा है और चौथे भाव से चौथा भाव भी अच्छा नजर आ रहा है, जीवन में सुख के साधन काफी अच्छे रहेंगे। दशम भाव का स्वामी सूर्य अष्टम में है, भाग्य का स्वामी खष्टम में है, कार्य क्षेत्र में समय समय पे समस्याएं आएंगी, मानसिक रूप से समस्याएं बनेंगी, कुछ पढ़ाई लिखाई में भी कुछ बाधा व्यवधान बनता है जब गुरु और राहु की युति होती है। अष्टम भाव में बुध और सूर्य बैठे हैं जिससे बुध अस्त हुआ है, ऐसे में व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वह थोड़ी सी वीक होती है, व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों को समझाने में थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं रह पाता है। ओवरऑल इस कुंडली में ठीक है। इस कुंडली में इंदु लगन धन लगन आदि की भी बात कर लेते हैं। इनका इंदु लगन वृषभ राशि में रहा है जहां पर मंगल बैठा हुआ है, जिसका स्वामी शुक्र है, यह भी शुक्र अच्छी स्थिति में है और यहाँ पे मंगल जो कि लग्नेश है वह बैठा हुआ है, लग्नेश बैठा हुआ है, शुक्र भी अच्छा है, तो कुल मिलाकर के इंदु लगन इनका ठीक आ रहा है, जीवन में धन की सप्लाई ठीक ठाक रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करते हैं इनके श्री लगन की, तो इनका श्री लगन बनता हुआ नजर आ रहा है कुंभ राशि में, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में पड़ती है। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि स्वागृही है और गुरु की दृष्टि भी, एक शुभ ग्रह की दृष्टि भी है, हालांकि राहु की भी दृष्टि है लेकिन शनि का घर है तो राहु बिगाड़ेगा नहीं, श्री लगन बढ़िया आ रहा, यानी इनके जीवन में वैभव बहुत अच्छा रहेगा। श्री लगन हमें वैभव प्रदान करता है, यानी घर और लग्जरी समाज के नजर में हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं यह प्रदान करता है, जो कि इनके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ इनकी कुंडली में देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह पुष्कर भाग में स्थित है। एक तो इनकी कुंडली में सूर्य महाराज पुष्कर भाग में स्थित है, अष्टम भाव में जो सूर्य है कर्म भाव का स्वामी अष्टम में जाकर के पीड़ित होता है, चूंकि ये पुष्कर भाग में आ गया तो इसलिए सूर्य की अशुभता थोड़ी सी कम हो जाएगी। शनि इनका पुष्कर भाग में स्थित है, यानी श्री लगन भी यहीं पड़ा और ये पुष्कर भाग में भी है, चौथे भाव का फल इनके जीवन में काफी अच्छा रहेगा। फिर इसके अलावा केतु इनका पुष्कर भाग में स्थित है, यानी केतु भी इनको अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। चौथा घर भी पुष्कर भाग में स्थित है, यानी ये इनकी कुंडली में चौथा घर सबसे ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है।
तो कुल मिलाकर के श्री लगन ज्यादा बेहतरीन इनकी कुंडली में बनता हुआ नजर आ रहा है। श्री लगन काफी ठीक ठाक है। आगे इनकी कुंडली में बात कर लेते हैं, इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी मैं पढ़ देता हूँ। इन्होंने पूछा है कि विवाह कब होगा, कैसा होगा, और विवाह क्या मांगलिक लड़की से ही किया जाए वही ठीक रहेगा। तो इनके लिए यह उत्तर है कि मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो विवाह मांगलिक लड़की से करें। सिर्फ मंगल के यहाँ बैठने का ही सवाल नहीं है, नौ मास कुंडली के लगन में देखिए नीच का बृहस्पति बैठा हुआ है। तो अगर नौ मास के लगन में ये कमजोर ग्रह पड़ा है और यहाँ मंगल है तो मंगल का प्रभाव और थोड़ा बढ़ ही जाएगा। इसलिए इनको मांगलिक लड़की से विवाह करने में वैवाहिक जीवन इनका कुछ ज्यादा ही ठीक ठाक चलेगा। ऊपर से यह मंगल सूर्य के नक्षत्र में है, यानी गर्म ग्रह के नक्षत्र में भी है। सूर्य के नक्षत्र में मंगल बैठा है कृतिका नक्षत्र में, तो मंगल की उत्तेजना और बढ़ रही है। तो इसलिए मांगलिक से ही विवाह करना ठीक रहेगा। जीवन साथी का स्वभाव कैसा रहेगा, गुरु बैठा हुआ है यहाँ पर लगन में, इसलिए गुरु और शनि का स्थान परिवर्तन हुआ है। शनि गुरु के घर में है, गुरु शनि के घर में है। स्वभाव जो है ठीक रहेगा, आध्यात्मिक धार्मिक रहेगा। स्वभाव इनके पत्नी का ठीक रहने वाला है। हालांकि लगन में मंगल बैठा है तो कभी कभी वो भी उत्तेजित और गुस्सा दिखाएंगे, लेकिन अल्पकालिक रहेगा क्योंकि मंगल चलित में छठे भाव में चला गया है। इसलिए विवाह की अगर हम दिशा निकालने का प्रयास करें तो आप लोग यहाँ पर देखिए, मंगल जो ग्रह बैठा है इसकी दिशा होती है दक्षिण, और जो राशि यहाँ पर है वृषभ है इसकी दिशा भी दक्षिण होती है। तो यहाँ पे दोनों राशि की दिशा और मंगल की दिशा दक्षिण आ रही है, तो दक्षिण दिशा में विवाह की संभावना बन रही है। शुक्र स्त्री का कारक होता है, उसकी भी दिशा दक्षिण है, और यहाँ पे कर्क राशि में बैठा है, लेकिन उत्तर की संभावना नहीं बनेगी। शुक्र से सातवें भाव का स्वामी शनि है, मकर राशि यहाँ पर पड़ती है। तो मकर राशि की दिशा और वृषभ राशि की दिशा में इनका विवाह संभव है। मकर राशि की भी दिशा दक्षिण होती है, तो इनके दक्षिण दिशा में विवाह की संभावनाएं कुछ ज्यादा ही प्रबल नजर आ रही हैं। इन्होंने पूछा है कि इनको किस राशि की लड़की से विवाह करना ज्यादा ठीक रहेगा। चूंकि इनकी मेष राशि है, लगन भी मेष है, तो ये मेष राशि की लड़की से विवाह कर लें, सिंह राशि की लड़की से विवाह कर सकते हैं, वृश्चिक राशि की लड़की से विवाह कर लें, धनु राशि की लड़की से विवाह करें, मीन राशि की लड़की से विवाह करें, या कर्क राशि की लड़की से विवाह करें। तो ये लड़कियां इनके लग्न और राशि के लिए मित्र होती हैं, इन राशियों के साथ में ये विवाह वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ साथ छठे आठवें भाव में जो सूर्य और बुध की युति बनी है, इसमें बुध अशुभ है। बुध के लिए इनको हरी सब्जी का दान करते रहना चाहिए। बुध विकल अवस्था में है, जब जब बुध की दशा अंतर दशा रहेगी, इनको शारीरिक कष्ट भी देगा और उस समय आमदनी भी इनकी बाधित होगी। तो ये बुध के लिए जप और दान इनको करते रहना चाहिए। चंद्रमा चूंकि भाग्य का स्वामी है, केतु के साथ कमजोर है, 12 कैरेट का मोती पहन लेना इनको चाहिए। चूंकि गुरु सामने है तो मोती इनको सूट करेगा। मंगल के लिए मूगा पहनने की जरूरत नहीं है, बृहस्पति के लिए सुनहला पहन ले, पुखराज पहनने की जरूरत नहीं है। क्यों पहन ले, जबकि गुरु 12वें भाव में है, तो फिर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि गुरु जो है चलित कुंडली में लाभ भाव में आ रहा है। चलित कुंडली में लाभ भाव में होने के नाते बृहस्पति का उपरत्न और मोती का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इनको अच्छा परिणाम और प्रभाव प्राप्त हो जाएगा। अब इनके चंद्र कुंडली से अगर देखें तो मेष राशि पे कोई साढ़े साथी वगैरह नहीं चल रही है इनकी। चंद्र कुंडली पे इनकी राशि पे गुरु और राहु का गोचर चल रहा है, जो कि लग्न से छठा भाव होता है। इसलिए वर्तमान में इनके थोड़े से खर्चे बढ़े रहेंगे और छोटी छोटी शारीरिक तकलीफ भी हो जाएगी। शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है लगन से, और राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहा है। अगले 2 से 2.5 वर्षों में इनकी कोई मनोकामना की पूर्ति हो सकती है, कोई नया वाहन वगैरह की भी इनको प्राप्ति हो सकती है, या घर से जुड़ा हुआ कुछ छोटा मोटा या किसी भी प्रकार का काम हो सकता है, भूमि फोन वाहन से जुड़ा हुआ। इनकी अगली कुंडली पर चलते हैं, सुदर्शन चक्र देखिए। लगन से दशम में कोई ग्रह नहीं है, चंद्र से दशम में कोई ग्रह नहीं है, सूर्य से दशम में कोई ग्रह नहीं है, यानी कोई महापुरुष बनने का योग इस कुंडली में प्रतीत नहीं हो रहा है। सूर्य कुंडली में लगन में ही बुधादित्य योग बना है, मान सम्मान जीवन में बरकरार रहेगा।
मान सम्मान पे कमी नहीं आएगी। इनके धन का योग देखते हैं, इनकी सिंह लगन की होरा कुंडली बनती है। होरा कुंडली में यहाँ 5 नंबर की गिनती लिखी है। होरा में 5 नंबर हो यानी सिंह लगन की होरा हो तो व्यक्ति के धन के पर जो प्रभाव होता है वो देवताओं का होता है, यानी देवताओं के निमित्त कुछ ना कुछ करते रहेंगे, मंदिर जाए, भोग प्रसाद चढ़ाएं, तो आर्थिक स्थिति इनकी हमेशा अच्छी बनी रहेगी। इसके अलावा देशकांड कुंडली देखिए, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश भी ठीक स्थिति में है, मेहनत और परिश्रम करते रहेंगे। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य देखते हैं, देखिए लगन में शनि बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, इसलिए थोड़ा सा ये भाग्य में देरी कराता है, और लग्नेश ठीक जगह पर बैठा हुआ है सूर्य, ये स्थिति ठीक है। लग्नेश सूर्य जिसकी राशि में है वह गुरु नीच राशि में होकर के यहाँ पर बैठ गया है, तो यहाँ से थोड़ी सी भाग्य में कमी और रुकावट दिखाई दे रही है। मंगल और शुक्र का स्थान परिवर्तन है, यानी इनका भाग्य कंप्रोमाइजिंग है, कुछ कुछ समझौतावादी होकर के इनको जीवन में चलना पड़ेगा। पंचमांश कुंडली से ज्ञान और हुनर देखते हैं, व्यक्ति का कैसा व्यवहार, सामाजिक ज्ञान कैसा है। लगन का स्वामी सूर्य अच्छी स्थिति में है, ये बहुत अच्छी बात है, गुरु भी केंद्र में बैठा है, सामाजिक दृष्टिकोण इनका काफी अच्छा रहेगा, विचार व्यवहार काफी ठीक रहेगा। षष्ठांश कुंडली का लगन जो है वहां का स्वामी शनि छठे भाव में बैठा हुआ है, सूर्य और चंद्रमा भी बैठे हुए हैं, अपने ही कुछ लोग इनके साथ में शत्रुता कर सकते हैं, फैमिली के लोगों से थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए इनको। इसके अलावा सप्तमांश कुंडली से संतान आदि में कोई बाधा है कि नहीं देख लेते हैं। लगन में ही सूर्य नीच का होकर के केतु के साथ बैठा हुआ है, लग्नेश शुक्र है, हालांकि दशम भाव में अच्छी स्थिति में है, गुरु स्वगृही है, इसलिए संतान से जुड़ी कुछ ना कुछ चिंता और तनाव जरूर रहेगी, कोई ना कोई एक संतान होगी जो इनको ज्यादा मानसिक रूप से पीड़ित करेगी, किसी एक संतान के कारण से इनके थोड़ा सा मान सम्मान पर भी असर पड़ेगा। अष्टमांश कुंडली के लगन में गुरु बैठा है, गुरु आयु बढ़ाता है, अष्टम में भी उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, यह भी आयु बढ़ाता है, तो ये दोनों मिलकर के आयु देंगे, हालांकि जीवन में तनाव भी रहा करेगा। अगली कुंडली पर चलते हैं और चेक करते हैं इनकी दशमांश कुंडली। दशमांश कुंडली के लगन में मंगल महाराज बैठे हैं, लग्नेश शनि लगन को देख भी रहा है, यानी काम काज ठीक रहेगा, कार्य क्षेत्र में इनको नाम और प्रसिद्धि भी मिलेगी, और इसके साथ साथ गुरु नीच का होकर के 12वें भाव में गया हुआ है, तो थोड़ा सा इनको जो काम करेंगे, जिस लेवल का काम करेंगे, उस स्तर की आमदनी प्राप्त होती नजर नहीं आ रही है, यानी थोड़ा सा धन के मामले में अनलकी रहेंगे। आगे अगर देखते हैं तो जहां पर ये काम काज करते हैं वहां पे सारे सुख साधन उपलब्ध रहने वाले हैं। इसके अलावा एकादशांश कुंडली मनोकामनाओं की सिद्धि को दर्शाता है, लगन में मंगल बैठा हुआ है शुक्र की राशि में और शुक्र मंगल की राशि में है, मंगल शुक्र का स्थान परिवर्तन है, चतुर्थ भाव में सूर्य स्वगृही होके बैठा हुआ है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती रहेगी, भौतिक जीवन से जुड़ी हुई जो इच्छाएं रहेंगी वो जब ये चाहेंगे ठीक उसी समय नहीं लेकिन थोड़े समय बाद पूरी हो जाएंगी। द्वादशांश कुंडली के लगन का स्वामी सूर्य है, गया हुआ है छठे भाव में, पिता के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठा हुआ है और शुक्र अच्छा होकर के बैठा हुआ है, और ऐसे में थोड़ा सा माता के लिए पीठ कमर और मांसपेशियों में दर्द रह सकता है। अगली कुंडली खोटशांश कुंडली से वाहन का विचार होता है, खोटशांश कुंडली का लगन देखिए सिंह लगन है, लग्नेश गुरु के साथ द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में मंगल स्वगृही है, फोर व्हीलर वाहन का सुख इनके जीवन में अच्छा है, मंगल और चंद्रमा की युति लगन में है, लग्नेश जो है गुरु है वह मंगल के घर में बैठा और मंगल गुरु के घर में बैठा है, जीवन में आध्यात्मिक अभिरुचि काफी अच्छी लेंगे, ज्योतिष आदि के प्रति भी इनका रुझान बनने वाला है। अगली कुंडली पे सर्वाष्टक वर्ग का सारणी इनको हम समझा देते हैं, इनकी कुंडली में क्या है कि ये शनि से लेकर के सभी ग्रहों की रेखाओं का विश्लेषण करेंगे, इधर जो है राशि दी हुई है, इधर ग्रह दिए हुए हैं, 0 से 3 पॉइंट अगर किसी ग्रह को मिलते हैं तो वो खराब फल देता है, 4 पॉइंट जहां होता है एब्रस फल देता है, 5, 6, 7, 8 पॉइंट जहां मिलता है वहां पर ग्रह का फल अच्छा होता है,
शनि को मेष राशि में 5 पॉइंट मिले हैं, यानी जब भी शनि का गोचर मेष राशि में रहेगा शनि इनको अच्छा फल देगा। वृषभ राशि में शनि का गोचर इनको ठीक फल नहीं देगा। मिथुन राशि में शनि का गोचर इनको अभ्रष्ट फल देगा, यहाँ पर खराब देगा। कन्या में जब जब शनि जाएगा तो इनको अच्छा देगा। तुला में यानी जब शनि उच्च का रहेगा तो इनको अच्छा फल नहीं देगा। इसी प्रकार से कुंभ में अच्छा देगा और मीन में अभ्रष्ट देगा। तो 0 से 3 पॉइंट जिन राशियों में ग्राहकों मिले हैं वहां पर गोचर खराब होता है। जैसे गुरु को देखिए मेष राशि में 6 पॉइंट मिला, जब भी गुरु मेष राशि में रहेगा इनको अच्छा देगा। वृषभ राशि में रहेगा अच्छा देगा, मिथुन में अभ्रष्ट देगा, कर्क सिंह में अच्छा देगा, यहाँ वृश्चिक धनु में अच्छा देगा। इस प्रकार से सभी ग्रहों का गोचर फल ये जान सकते हैं। कौन कौन सा दिन इनके लिए अच्छा रहेगा इसकी गणना करते हैं। जब चंद्रमा 2.25 दिन के लिए मेष राशि में रहेगा वह दिन इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब चंद्रमा 2.25 दिन के लिए कन्या राशि में रहे, तुला राशि में रहे तो दिन अच्छा होगा। जब चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेगा तो वह दिन इनके लिए अच्छा रहेगा। जहां 2 पॉइंट मिले हैं वो दिन ज्यादा खराब रहेगा, यानी जब चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेगा, मिथुन में गोचर करे, कर्क में करे, सिंह में अभ्रज रहेगा, वृश्चिक में खराब रहेगा, धनु में अभ्रज रहेगा, कुंभ राशि में जब शनि का गोचर रहा करेगा वह दिन इनके लिए ठीक नहीं रहेगा। इस प्रकार से सभी ग्रहों का गोचर देख सकते हैं। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में जो एवरेज पॉइंट होते हैं वो 28 होते हैं। लगन में 30 पॉइंट है, एवरेज से अधिक है, यानी आयु स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन भाव में 26 पॉइंट है, व्यय भाव में 23 पॉइंट है। धन अधिक है, व्यय कम है, यानी जीवन में कोई आर्थिक विपत्ति बहुत नहीं आएगी। लाभ भाव में अधिक पॉइंट है 29, व्यय से अधिक है, तो धन की स्थिति जीवन में ठीक ठाक रहेगी। मेहनत और परिश्रम शारीरिक रूप से उतना अधिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ 23 पॉइंट है। भौतिक सुख बड़ा अच्छा रहेगा, भूमि भवन वाहन का इनका चतुर्थ भाव भी मजबूत आया था, यहाँ पॉइंट्स भी अधिक है। गाड़ी वगैरह लग्जीरियस इनको घर अच्छा मिलेगा। संतान भाव में 30 पॉइंट है जो संतान की उत्पत्ति को दर्शाते हैं। छठे भाव में 33 पॉइंट है, यानी विरोधी भी इनके मजबूत रहेंगे। पति पत्नी में पति हावी रहेगा क्योंकि ये हावी रहेंगे क्योंकि इनके सप्तम भाव में कम पॉइंट्स हैं, लगन में ज्यादा है। अष्टम भाव में 27 पॉइंट्स है, जीवन में उतनी ज्यादा रुकावटें नहीं आएंगी। भाग्य कमजोर है क्योंकि यहाँ पर देखिए भाग्य में पॉइंट्स भी 20 मिले हैं। भाग्य कम साथ देगा, कर्म अधिक करना पड़ेगा, जितना कर्म करेंगे उससे कम इनको लाभ की प्राप्ति होगी। अब दशा पर आकर के इनके मेन प्रश्न विवाह के समय को निकालने का प्रयास करते हैं। इनकी कुंडली में जो सप्तमेश है वह शुक्र है, सातवें भाव का स्वामी शुक्र है, और यहाँ चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतरदशा मार्च 2023 से प्रारंभ होकर के नवंबर 2024 तक चलेगी। इसी दशा में इनका विवाह तय हो जाएगा, यानी नवंबर 2024 के पहले विवाह तय हो जाएगा और विवाह भी हो जाएगा। इनके लिए अच्छा समय शुरू होगा मंगल की महादशा में मई 2025 से मई 2032 के बीच में, क्योंकि मंगल लग्नेश है, सप्तम में बैठा भी है। कर्म भाव को देखेगा, लगन को देखेगा, धन भाव को देखेगा, तो मंगल की दशा में इनका कामकाज काफी अच्छा बढ़ेगा। इनकी कुंडली में एक तो चांडाल दोष है और एक चंद्र केतु का ग्रहण दोष है। चांडाल दोष की ये शांति करा लें और चंद्र केतु के ग्रहण दोष की शांति कराएं। अष्ट बुध के लिए इनको जो है हरी सब्जी का दान करना चाहिए। ये चंद्र केतु का ग्रहण दोष इधर है, मंगल गुरु और राहु का चांडाल दोष इधर है, और ये बुध अस्त है। इतने लोगों के लिए इनको उपाय करना है, और स्टोन का मैंने इनको पहले ही बता दिया है। उम्मीद है इनको समझ में आया होगा विषय वस्तु, और इस हिसाब से ही इनको अपनी कुंडली पे अप्लाई करते हुए चलना चाहिए।